भाई यहाँ पर आए तो मेरी कोशिश होगी कि ये इंजॉय करें आप। चम्मच दे दो। देखिए अभी हम चल रहे हैं डब्बू की तरफ, आइए आपको दिखाते हैं। ग्रीन मारेंगे जीत जाएंगे, देखो अब कोश पूरी है। जीत गए। किंजर झील ये जगह है और चिड़ी बंद ये एरिया है। मेरे पे एक गोली है, वो तेरे सीने में उतार दूंगा गोली। इसमें छह भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब गाना शुरू कर दो। सुना था गाना। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। कहते हैं जिंदा दिल जीते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, कुछ और था। हर चीज पूरी है, जो थोड़ा कम था वो नियाज भाई ने पूरा कर दिया। ये हम लोग ठट्टा से तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर है, एक जगह पॉइंट है और एक छोटा सा एक फार्म हाउस है और ये इसको चिड़ी बंद कहते हैं, बिब्रू करली का बैक साइड लगता है। ये बहुत बड़ी अच्छी जगह, पुरसकून जगह है और यहाँ पे फैमिलीज भी आती हैं और मतलब ये बहुत इंजॉयबल जगह। करली झील का पानी भी है और सुबह स्टीमर भी मंगाया है हम लोगों ने। तो ये जगह आप देखें बहुत खूबसूरत है और पुरसकून जगह है और यहाँ खाना वगैरह भी मतलब हम लोगों को बड़े तरीके से मिला है। यहाँ हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग मतलब आए हैं, रास्ता ही बड़ा अच्छा था, इंजॉय करते हुए आए हम लोग। और यहाँ हमने आती है हमारी बच्ची मेहमान नवाजी करी इस हट वाले ने, हम मतलब हमने सबसे पहले तो हमने चाय पी, बिरयानी खाई, फिर फल खाए और बहुत मज़ा आ रहा। गाने की महफिल चली और डब्बू यहाँ पर, डब्बू भी है और स्नोकर भी है, मतलब बच्चा स्नोकर भी है और झूले ही बच्चों के, बहुत बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मतलब बच्चे भी आए हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खाया पिया और अब रात में हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जोक कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं और अल्लाह पाक ऐसे ही हमारे मोहब्बत आपस में कायम रखें, भाईचारगी को फ़रोग दें और हम हर साल नहीं हर महीने आते रहें और इंजॉय करते रहें। बुलंद पहाड़ी और उसके नीचे बिल्कुल कल्ली झील का पानी और इस वक्त हमारे साइमा लग्जरी होम के साथी रहायशी और दोस्त अहबाब सब मिल के यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब हमारे नियाज शेख साहब का जिनकी दावत पे हम सब यहाँ आए हैं। और ये जो भाईचारगी और ये मोहब्बतें हैं
यकीन जानिए सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और ये जो मोहब्बतें हैं ये एक तरफ, तो अल्लाह नहीं ये हम काट देंगे। आज यहाँ आने के बाद अचानक एक तो खुशी थी मगर एक थोड़ा सा झटका भी लगा कि 261 तक आज जो है ना एकदम शूट कर गई मार्केट। बाकी इंजॉय तो खैर हम बहुत कर रहे हैं यहाँ आने के बाद और काम वाम तो चलता रहता है ज़िंदगी भर। और आप लोगों की मोहब्बत मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जो खलूस देखी मोहब्बत देखी तो बस यही है कि दिल करता है कि बस इसी तरह जुड़े रहें इंशाल्लाह। हसरत तो थी तेरे कदमों में दम निकले, हसरत तो थी तेरे कदमों में दम निकले, बेवफा तुम नहीं बद नसीब हम निकले। नेक्स्ट मंथ हमारा सफर रहेगा नारायण काका इनका। सबसे बड़ी बात ये कि राव साहब ने मेरी आवाज़ पे यहाँ पर आए, भरोसा किया जगह के बारे में और एक घंटे के नोटिस पे ये सब लोग रेडी हो गए। ये सब लोगों का एक भरोसा था, एक एतमाद था यहाँ आना, क्योंकि जिस तरह की यहाँ का रास्ता है, जिस तरह की प्रॉब्लम है वो देखी लोगों ने और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे भरोसा किया और मेरे अल्फाज पे यहाँ पे फ़ौरन आए। और कुछ लोगों के जो हिडन टैलेंट थे, जैसे जावेद भाई के ज़बरदस्त हिडन टैलेंट था, डब्बू का जो गेम था उन्होंने सबको हराया और अभी इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह माजिद भाई जाएंगे और इस दफ़ा जीतेंगे क्योंकि इस बार उनके मुकाबले में कोई नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।